नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम इस सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 17 जुलाई से लेकर आज तक 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सब का हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालिसिस किया था उन सब के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। अगर अभी तक आपने पिछला छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इन प्रश्नों का जवाब आप दीजिएगा। तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जितने भी सवाल मैं करता हूँ ना या पूछता हूँ, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अभी वर्तमान समय में ACF का पेपर होने वाला है, आने वाले समय में अगर व्यापम का होता है, CGPSC का होता है, उन सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संस्कृति परिषद के गठन हेतु फैसला लिया गया है, इस परिषद में अध्यक्ष कौन होंगे? इसका जवाब आपको देना है मुख्यमंत्री, संस्कृति मंत्री, मुख्य सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट खाद की खरीदी दर निर्धारित किया गया है। गोबर की खरीदी तो किया ही जा रहा है, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद की भी खरीदी किए जाने का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया था, इस पर हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस किया था। तो वह दर क्या है आप बताइए, 8 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये या फिर 5 रुपये। चलिए ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है, इस वर्ष बस्तर दशहरा कितने दिनों का आयोजित होगा? पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस किया था, 612 सालों में बस्तर दशहरा का जो डे है 75 दिनों का होता था वो बदला है। तो आंसर आप जरूर करिएगा, 75 दिन, 100 दिन, 104 दिन या फिर 108 दिन। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ मैं आपसे और पूछने जा रहा हूँ, ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। बरसात का महीना चल रहा है, ऐसे में जितने भी जलप्रपात हैं पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं, इनमें से कुछ जलप्रपात न्यूज़ में भी रहते हैं, तो आपको बताना ये है कि जो दिया गया जलप्रपात है राजपुरी, घोड़ाधार और गोविंद झुंझा, ये तीनों जलप्रपात कौन कौन से ज़िले में आते हैं? इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ज्योग्राफी का पार्ट है, आपको पढ़ना ही है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, और ये वाटरफॉल इम्पॉर्टेंट है, तो आपको जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। तो ये हो गया अभ्यास प्रश्न। चलिए अब हम आज का अपना एनालिसिस शुरू करते हैं, और आज के एनालिसिस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो गोधन न्याय योजना से ही संबंधित है। हालांकि पिछले दोनों वीडियो में हमने गोधन न्याय योजना से संबंधित एनालिसिस किया है, लेकिन इसकी शुरुआत कब होनी थी? 20 जुलाई को हरेली से इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं, उसके बाद आपका गोधन न्याय योजना जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो किन किन बिंदुओं पर आपको और ध्यान देना है, इसका शुभारंभ कब हुआ? 20 जुलाई हरेली तिहार के अवसर पर कहाँ से शुरुआत हुआ, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत कौन से शहर से की गई। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर से ही की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। गोधन न्याय योजना के तहत में क्या किया जाना है? गोबर की खरीदी की जानी है। दर क्या है? 2 रुपये पर केजी। प्रथम खरीदी किसके तरफ से किया गया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रथम खरीदी किया गया, इन्होंने 48 किलोग्राम जो है वो गोबर की खरीदी की। और प्रथम दिन की अगर खरीदी पूछा जाता है आपसे तो 2000 क्विंटल एक दिन में यहाँ पर गोबर की खरीदी की गई है। खरीदी किसके माध्यम से किया जाएगा गोबर का? अब हमने यहाँ पर ये जान लिया कि गोधन न्याय योजना के तहत गौपालकों से सरकार जो है वो गोबर खरीदेगी, लेकिन सरकार किसके माध्यम से गोबर खरीदेगी? तो ग्रामीण क्षेत्र में स्व सहायता समूहों द्वारा, जिनकी मदद से गौठानों का संचालन किया जा रहा है, वह स्व सहायता समूह गोबर खरीदने का भी काम करेगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्सेज मैनेजमेंट द्वारा गोबर की खरीदी की जाएगी। ठीक है, समितियों का गठन किया गया है इसको संचालित करने के लिए, तो राज्य स्तर पर जो समिति गठित किया गया है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है, और जिला स्तर पर जो समिति का गठन किया गया है वो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है। तो गोधन न्याय योजना से संबंधित इतनी बातों को याद रखिएगा, और गोधन न्याय योजना का आप मेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस कर रखा था, ब्रीफ में एनालिसिस किया था, इसके ऑब्जेक्टिव को हमने एनालिसिस किया था, तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसका लोगो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गोधन न्याय योजना का लोगो जारी किया गया है, इसे भी
आप लोगों को ध्यान में रखना है। और देखिए गोधन न्याय योजना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि गोधन न्याय योजना पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त चर्चा में है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो बढ़ते हैं, नेक्स्ट का टॉपिक है हमारा, वो है हरेली तिहार। हरेली तिहार के बारे में हमको इतना पता है कि ये छत्तीसगढ़ के किसानों से संबंधित एक त्यौहार है और इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार भी कहा जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सबसे पहला बनता है कि ये मनाया आखिर कब जाता है। तो इस वर्ष यानी कि 2020 में ये 20 जुलाई को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष सावन अमावस्या को हरेली का त्यौहार मनाया जाता है और ये मुख्यतः जुलाई और अगस्त के महीने में ही आते हैं। जैसे अगर मान लो कि इस वर्ष सावन अमावस्या कब आया, 20 जुलाई को, तो हो सकता है अगले साल सावन अमावस्या 20 जुलाई को ना आकर 25 जुलाई। तो ये तिथि फिक्स नहीं रहता है, प्रत्येक वर्ष सावन अमावस्या को हरेली का त्यौहार मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी कुछ विशेषताओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सावन अमावस्या के बारे में आप लोग तो समझते ही हैं कि आप समझ सकते हैं कि ये सावन महीने की शुरुआत होती है और सावन का जो माह होता है हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है और हरेली का त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ के किसानों से संबंधित एक त्यौहार माना जाता है और जैसे मैंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार भी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएँ ध्यान में रखिएगा। यह त्यौहार पूरे दिन मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है, किसानों की तरफ से कोई भी इस दिन कार्य नहीं किया जाता है। किसानों के जितने भी संसाधन हैं, हल हो गया, खेत हो गया, या फिर जो खेत जोतने वाले बैल हो गए, उन सब की पूजा की जाती है इस दिन। नीम की शाखा लगाने का चलन है, आप देखते होंगे गाड़ियों में लोग नीम की पत्ती लगाकर चलते हैं, अपने घरों में नीम की पत्ती लगाते हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य है बीमारियों को दूर करना। ठीक है, कुटकी दाई की पूजा की जाती है इस दिन। कुटकी दाई यहाँ पर फसलों की देवी को कहा जाता है, तो अच्छी फसल हो इसीलिए कुटकी दाई की भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा पूजा किया जाता है। इसके अलावा गोड़ी खेल का आयोजन किया जाता है। गोड़ी का खेल जो है इस प्रकार से होता है, डंडे के ऊपर में चढ़कर, ये मुख्यतः बच्चों में खेल प्रचलित है और हरेली के अवसर पर ही इस खेल का आयोजन होता है। तो हरेली तिहार आप छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन करेंट अफेयर में जितनी बातें मैंने बताई इतनी बातों को भी आप अगर ध्यान में रखते हैं तो परीक्षा में इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है हमारा, पुलिस परिवार कल्याण सेल का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा। छत्तीसगढ़ पुलिस डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में जो है पुलिस परिवार कल्याण सेल का गठन किया है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो इसके पीछे का उद्देश्य है पुलिस विभाग के अंतर्गत में आने वाले जितने भी ऑफिसर्स हो गए या फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए उनको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, इसीलिए इस सेल का गठन किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर समझिए, कि पुलिस विभाग का कोई जवान शहीद हो गया है। अब जवान शहीद होने पर पेंशन की समस्या होती है, अनुकंपा की समस्या होती है परिवारों को, तो इस प्रकार की समस्या का निराकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा एक अलग से सेल का गठन किया गया है ताकि इनको किसी प्रकार से समस्या ना हो, इसीलिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा पुलिस अनुकंपा सेल का गठन किया गया है, यानी कि पुलिस फैमिली वेलफेयर सेल। ये पुलिस विभाग के खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए इस सेल को कह सकते हो, इसका ऑब्जेक्टिव बस ध्यान रखना, बस इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, हरियर भुइयां, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा एक मैगजीन रिलीज़ किया गया है, उस मैगजीन का नाम है छत्तीसगढ़ी भुइयां गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इस मैगजीन में छत्तीसगढ़ विभाग द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उस पर लेख लिखा जाएगा और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद ये पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा इस प्रकार का मैगजीन रिलीज़ किया जा रहा है। यह त्रैमासिक मैगजीन होगा और यह बिल्कुल आप छत्तीसगढ़ वन विभाग में चले जाइए, आपको मुफ्त में मिल सकता है। एग्ज़ाम्स के लिए भी ये मैगजीन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के वन विभाग के जो कार्य हैं उसका उल्लेख होगा, तो इस मैगजीन को अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो और छत्तीसगढ़ के वन विभाग से इसे प्राप्त कर सकते हो। त्रैमासिक होगा, विमोचन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक सवाल का और जवाब देना है। अब आप बोलोगे कि आज इतने सवाल पूछ रहे हो, जवाब कैसे दूँ, तो जितने सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। सवाल ये है, यहाँ पर तो वन विभाग द्वारा जारी किया गया जो पत्रिका है उसका नाम क्या होगा, हरियर भुइयां। अब आपसे सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जो मैगजीन और जो पत्रिका रिलीज़ किया जाता है उसका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज,
कौन सा है? भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि दुर्ग में स्थित है। इसको UGC की तरफ से छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा संतोष रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज को भी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया है UGC की तरफ से। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा अगर किसी कॉलेज को प्राप्त हो जाता है तो उस कॉलेज के पास में कुछ स्वतंत्र अधिकार आ जाते हैं। कैसे? जैसे कि वो सिलेबस अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर अपने कॉलेज में किसी प्रकार से कोई एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में जो रूल्स हैं उसके अलावा कुछ अलग से भी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, इवेंट्स करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है, उसको भी अंडरलाइन करके रखिएगा कि अगर ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा किसी कॉलेज को प्राप्त है तो उसको जो डिग्री मिलेगा वो उस यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा। हालांकि स्वतंत्र होने के बाद जितनी चीज़ों को मैंने बोला वो कॉलेज कर सकता है, बट डिग्री उसको उसी यूनिवर्सिटी का मिलेगा। जैसे भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग कौन से यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आता है? CSVTU के अंतर्गत आता है। तो इसको जो डिग्री मिलेगा वो CSVTU का ही मिलेगा, ठीक है? इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात आता है कि विश्व अनुदान आयोग यानी कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आखिर है क्या? केंद्र सरकार का एक आयोग है जो कि HRD मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। इसका फॉर्मेशन जो है UGC एक्ट 1956 के तहत में किया गया था और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ग्रांट जो दिया जाता है, अनुदान जो दिया जाता है, वो इसी के माध्यम से ही दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। तो UGC के बारे में आप इतनी बेसिक जानकारी ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में धान की 3 प्रजातियों में ऐसा पाया गया है कि उसमें कैंसर रोधक गुण है। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस तरह से रिसर्च करते रहता है। आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में धान की कई किस्में हैं, तो 12 किस्मों पर रिसर्च चल रहा था। ये 12 किस्में धान की पुरानी प्रजातियां हैं और इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ऐसा पाया कि छत्तीसगढ़ की में जो 3 धान की प्रजातियां हैं, वो 3 धान की प्रजातियां कौन कौन सा है? लावजा, गठुवन और महाराजी। इसमें कैंसर रोधी गुण है, इसीलिए इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस पर और रिसर्च के लिए इसे भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई भेजा है ताकि क्लियर हो सके कि क्या वाकई में इन 3 धान की प्रजातियों में कैंसर रोधी गुण हैं या नहीं। तो इन धान की प्रजातियों का जो 3 धान की प्रजातियां हैं पुरानी हैं काफ़ी, इनका नाम आप याद रखिएगा, लावचा, गठुवन व महाराजी, ठीक। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम अब परिवर्तित करके वासुदेव चंद्राकर के नाम पर रखा जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था लेकिन अब इस पर फाइनल डिसीजन हो गया है, राज्यपाल के पास में जा चुका है। बस 1-2 दिन में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा और कामधेनु विश्वविद्यालय अब वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। कौन है वासुदेव चंद्राकर, इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद कामधेनु विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। वासुदेव चंद्राकर को दुर्ग की राजनीति का, कांग्रेस की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। दुर्ग में इन्हें दाऊ के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बहुत बड़ा चेहरा है दुर्ग की राजनीति का वासुदेव चंद्राकर, दुर्ग कांग्रेस की राजनीति का एक्चुअल में, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कामधेनु यूनिवर्सिटी के बारे में भी समझ लीजिए। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था तो उस समय मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने दुर्ग के अंजोरा में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना की थी 1989 में। वही वेटरनरी कॉलेज वर्ष 2012 में कामधेनु विश्वविद्यालय बन गया और इस विश्वविद्यालय को बनाने वाले थे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उस वक्त के। तो वेटरनरी कॉलेज हुआ करता था 1989 में, उसी समय इसकी स्थापना हुई थी और यह वेटरनरी कॉलेज 2012 में यूनिवर्सिटी बन गया और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? कामधेनु विश्वविद्यालय। यह स्थित कहाँ है? यह स्थित है दुर्ग जिले के अंजोरा में। इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, राज्य में कुछ प्रमुख राजनैतिक नियुक्तियां की गई हैं। ये बहुत सारी नियुक्तियां हैं, अलग अलग कमीशन्स के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो ये आप मानकर चलो नहीं भी तो 25 से 30 अपॉइंटमेंट्स हैं। यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, टाइम वेस्ट कर नहीं सकता, तो एक PDF मैंने तैयार किया है जितनी भी राजनैतिक नियुक्तियाँ हैं हुई हैं
और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डलवा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी अवेलेबल करवाते रहते हैं। इसके अलावा हमसे डेली अपडेटेड रहने के लिए आप फेसबुक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो पसंद आने पर आप लाइक, दोस्तों तक शेयर और नीचे कुछ अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के इस सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाले वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।